भगवान को क्या देना चाहिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान को ये चार चीजें चढ़ाई जाती हैं। तुलसी पत्ता चढ़ाया जाता है, पुष्प चढ़ाया जाता है, पत्रम पुष्पम फल चढ़ाए जाते हैं, नारियल पपीता केला फला, और तोयम मतलब जल। लेकिन क्या इतना पर्याप्त है? नहीं। भगवान को क्या चढ़ाएं? तो हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। पत्रम, भगवान को पत्ता चढ़ाइए। काहे का पत्ता? जोर से। तुलसी का पत्ता तो चढ़ा ही रहे हो आप लोग, कौन सा नहीं चढ़ा रहे हो? बिल्व पत्र और शमी पत्ता तो चढ़ा ही रहे हो आप लोग, कौन सा नहीं चढ़ा रहे हो? कौन सा पत्ता चढ़ाए? पत्रम का मतलब है आप अपने आप को पत्ते की तरह बिल्कुल हल्का करके अभिमान त्याग दो, अंदर की बुराइयां त्याग दो, स्वयं को पत्ते की तरह मानकर प्रभु मैं ही तुलसी का पत्ता हूं, मैं ही आपके श्री चरणों में अपने आप को चढ़ाने आया हूं, अपने आप को समर्पित करने आया हूं। आपने आज तक भगवान को वस्तुएं चढ़ाई हैं, क्या खुद को चढ़ाया है? अच्छा ये बताओ, आपका पति आपको गाड़ी की चाबी दे, बंगले की चाबी दे, पैसा दे, पर वो आपको सब वस्तु तो दे, पर वो खुद किसी और से प्यार करे, चलेगा? आपका पति सब कुछ आपको दे, गाड़ी बंगला पैसा, पर वो स्वयं अपने आप को समर्पित किसी और स्त्री के सामने करे, उसका समर्पण कहीं और है पर वस्तुएं आपको देता है, तो आप खुश हो? मैया, आपका पति पैसा आपको दे पर वो अपने आप का समर्पण किसी और महिला से करे, ऐसे पत्नी के वो पति को दाल चावल सब्जी छप्पन भोग बना के खवाए पर वो समर्पण किसी और पुरुष के आगे करे, चलेगा? चलेगा नहीं। आपको क्या चाहिए? पति का समर्पण चाहिए या नहीं? पत्नी का समर्पण चाहिए कि नहीं? रिश्ते वो बहुत अच्छे होते हैं जहां पत्नी और पति का एक दूसरे के प्रति समर्पण होता है, जहां बेटे का पिता के प्रति समर्पण हो और जहां पिता भी समर्पित हो। जहां समर्पण है वहां सुख है, वहां प्रेम है। जहां समर्पण नहीं है वहां प्रेम? क्यों, बात समझ में आई क्या? तो पति का पत्नी के प्रति, पत्नी का पति के प्रति क्या चाहिए? पैसा भले कम है चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। रोटी नहीं है, चलो आज हम दोनों भूखे सोते हैं, चल जाएगा। रोटी नहीं है चलेगा, पैसा नहीं है चलेगा, घर नहीं है चलेगा, पर समर्पण नहीं है तो नहीं चलेगा। उसी प्रकार जब बिना समर्पण के तुम्हारा पति पत्नी का रिश्ता नहीं चलता, तो बिना समर्पण के भक्त भगवान का रिश्ता कैसे चलाओगे? इसलिए भक्त का क्या चाहिए? भगवान के चरणों में। और आप क्या करते हो? औपचारिक फूल, दो अगरबत्ती। कुछ लोग क्या करते हैं? केवल चड्डा पहन के अपना पूरा शरीर उंघारे। कुछ लोग तो गांव में बूढ़े लोग ना, चड्डा बस पहनेंगे नहा के 12 बजे, बनियान भी नहीं, और दो अगरबत्ती जलाएंगे दिन के 12। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय भक्त जनों के संकट फल में दूर कर, जय जगदीश भक्त जनों के संकट फल, जय जगदीश तुम हो पूर्ण ब्रह्म सर्व, जय अंतर। पूरे घर में नाचेंगे वो, कहीं इस तरफ के देवता कहीं इस तरफ की देवियां को, है ना? ये नहीं कि थोड़ा कपड़ा लपेट ले कमर में गमछा वगैरह, नहीं, घर में बहुएं हैं पर वो पहने चड्डा घूमेगा। और
ये पूजा है। भगवान के लिए आदमी तो अगरबत्ती भी जलाए ना तो प्रार्थना कैसी करता, ऐसे नहीं करता, त्वमेव माता च पिता, त्वम ऐसे नहीं, त्वमेव माता च पिता, त्वमेव सर्वं मम देव देव हो गई। इतनी जल्दी है उसे, और वो ये सब करके करता क्या, एक घंटा प्रपंच करेगा, प्रपंच करेगा तो बड़ा चबा चबा के बोलेगा, है ना, पगुरा के। और भगवान की भक्ति में जरा बैठना हो तो आधा सही आधा गलत चल रहा है, दूध दही सब सही है। ऐसे ये औपचारिकताएं हैं, भगवान इन औपचारिकताओं से रीझते नहीं है, तुम बेवकूफी ना करो। भगवान से रियल में प्रेम हो, और प्रेम तब तक नहीं होगा जब तक आपका भगवान के प्रति समर्पण नहीं होगा। तो सबसे पहली आवश्यकता है समर्पण की। समर्पण करने के बाद यदि पति का पत्नी के प्रति समर्पण है, तो पत्नी के लिए पति 100 रुपए की साड़ी ले आएगा तो पत्नी समझदार होगी तो 100 की साड़ी से प्रसन्न है। और समर्पण नहीं है, पत्नी को पता है कि मेरे पति का किसी से चक्कर है, और फिर वो आपके लिए 10,000 की साड़ी भी लाए ना तो वो 10,000 की साड़ी भी तुम्हें सुख ना देगी, क्योंकि आपको पता है ये 10,000 की साड़ी तो हमें फॉर्मेलिटी औपचारिकता के लिए दे रहा है, इसका तो किसी और से संबंध है। तो जब एक पत्नी खुश नहीं हो सकती तुम्हारे इस तरह के आचरण से, तो भला भगवान, भगवान को पता है कि आप लोग तुलसी तो भगवान को देते हो, फूल अगरबत्ती, और बाकी आप संसार की तरफ समर्पण है आपका। भगवान बोलेंगे मैं तुलसी और फूल का करूंगा क्या, क्या करेंगे भगवान तुलसी फूल का बताओ, आप तुलसी चढ़ाते हो ना भगवान को, क्या करेंगे भगवान, फूल चढ़ाते क्या करेंगे भगवान, अपने आप को चढ़ाओ प्रभु, आज हम मंदिर आए हैं, हे बिहारी जी आज हम तुलसी फूल पैसा रुपया लेकर नहीं आए, आज खुद को लेकर आए हैं, पवित्र करके वासनाओं का त्याग करके, इच्छाओं का त्याग, आप अपने आप को पवित्र कीजिए, इच्छाओं का त्याग करके अपने आप को पवित्र करके अपने आप को अपने मन को अपने अंतःकरण को प्रभु के चरणों में समर्पण कीजिए। हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं, बोलो हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। पत्रम पुष्पम, कौन सा पुष्प भगवान को चढ़ाएं, पुष्प का नाम है सुमन, सुंदर मन, सु मतलब सुंदर, मन मतलब मन, अपने मन को सुंदर करके फिर वो मन भगवान में चढ़ाओ। पत्रम पुष्पम फलम, कौन सा फल चढ़ाएं भगवान को, अच्छे अच्छे कर्मों का, अच्छे कर्म करो सौंप दो। आप भगवान को क्या चढ़ाते हैं, नारियल, कोई नारियल कोई तुम्हारे बाप दादों ने बनाया है क्या, क्यों मैया कौन सा फल चढ़ाती हो भगवान को, नारियल केला, ओ मैया केला खरीदने गई, भैया ये केला का भाव दिया, बोले 15 रुपए दर्जन, अरे कोई सस्ते वाले दे पूजा के लिए हैं, हाँ ये 6 रुपए दर्जन है, 6 रुपए दर्जन, हाँ दे दे चल पैक कर, वो इतना सस्ता का है, अरे बोले फेंकने जा रहा था, तुम आई हो तो ले लो। आदमी पूजा वाला ऐसी करता है, ए भैया पूजा वाली सुपारी देना जरा, पूजा वाली सुपारी इतनी इतनी सी होती है, चुक्की चुक्की सी, और वो भी सड़ी, पूजा वाली सुपारी साड़ी सड़िया सड़ी होती है, लेकिन आपको चाहिए किसके लिए, भगवान के लिए, भगवान के लिए सड़ा, और भगवान पे सड़ा देंगे आपको तो रोओगे। आप अपने लिए लेती हो बड़ी सुपारी, तो भगवान के लिए पूजा वाली सुपारी, हाँ या ना। अच्छा बताओ ये व्यवहार लोगों का है कि नहीं भगवान के प्रति, अपना खाएंगे बिंदास अच्छा, और भगवान के लिए ऐसे,
कुछ लोग तो इतनी सी कटोरी में, चुक्की सी कटोरी में शक्कर भर लेते, शक्कर शक्कर का भोग लगा ले भगवान खा सकते, और दिन भर में भगवान को शक्कर ही मिल पाई है, और अपना पराठे बना बना और खीर बना बना और खूब खा रहे हैं, और भगवान शक्कर। ये तो समर्पण है तुम्हारा। भगवान के संग भेदभाव जो करते हो, क्या ये भगवान नहीं देखते? तुमने फूल चढ़ा दिया, माला चढ़ा दी, और आपको क्या लगा बस हो गया? जरूरत नहीं है औपचारिकताओं की। भगवान को प्रेम कीजिए, प्रेम समर्पण से आएगा। जो खाओ पहले भोग लगाओ, प्रभु आप खाइए फिर, और वही खाओ जिसका भगवान को भोग लग सके, जिसका भोग ना लग सके उसको आप ना खाओ। अब आप लोग कहते महाराज जी हम तो प्याज लहसुन खाते हैं। हाँ, प्याज लहसुन खाना पाप नहीं है, आप खाते होंगे अच्छा है, परंतु बताओ क्या भगवान को भोग लगता है? तामसी है इसलिए नहीं लगता। अब कुछ लोग तो गुरु मंत्र इसलिए नहीं लेते, कुछ लोग तो कथा इसलिए नहीं सुनते, अरे कथा सुनने लग जाएंगे हमारी प्याज लहसुन छूट जाएगी, प्याज लहसुन भी छोड़ना पड़ेगा। मत छोड़ो, आप मत छोड़ो, पर ये बताओ कि आप भगवान के लिए बिना लहसुन प्याज का बनाते हो और भोग लगा देते हो, और अपने लिए फिर उसमें अलग से छौंका लगा के आटा लगा के फिर खाते हो, तो आप बताओ मुझे कि ये भगवान के प्रति भेद है या नहीं? अपना कुछ भगवान को। अब आप कहो जी वो हमारी आदत हो गई लहसुन प्याज खाने की, स्वाद नहीं आता। जगन्नाथ जी में भोग लगता है भगवान जी को बिना लहसुन प्याज का। गौरी गोपाल भगवान जी का प्रसाद बढ़ता है। आपने कितने लोगों ने प्रसादी पाई गौरी गोपाल जी की रसोई की? खाए नहीं खाए तो खाइए, प्रसादी पाइएगा। पूरा प्रसाद बिना लहसुन प्याज का होता है 12 महीना। आप बताओ कैसा था स्वाद में? अच्छा था, अच्छा था, इसमें लहसुन प्याज नहीं था। तो क्या मतलब? हम वही खाएंगे जो हमारे भगवान को भोग लगेगा। भोग लग गया सूखी दाल का तो हम सूखी खाएंगे, बिना घी चुपड़ी रोटी का भोग लग गया है तो भगवान को बिना घी चुपड़ी, और बाद में हम अपने लिए घी चुपड़ लें, ये तो कपट हो जाएगा। या तो घी चुपड़ के भगवान को लगाते फिर वो प्रसाद बनता। तुम ही निवेदित भोजन करही, बिना भोग लगाए बिना समर्पण किए नहीं पाना चाहिए। ये भक्तों के लक्षण है। यदि देखो भक्त बनना है तो कुछ तो नियम होंगे ना। अब शादी, जिन लड़कियों की शादी नहीं होती इन्हें कोई नियम नहीं है, कितने बजे सो के उठना, कितने बजे सोना, इन्हें ना मांग भरना ना मंगल सूत्र पहनना। पर यही लड़की कल विवाह कर लेगी ना, तो इसे नियम में बंधना पड़ेगा, बंधना पड़ेगा कि नहीं? मांग भी भरनी पड़ेगी और मंगल सूत्र भी पहनना पड़ेगा। क्यों जी, बात सही है? तो बंधन तो आएगा, थोड़ा तो नियम फॉलो करना पड़ता है। क्यों, सही है? मांग भरनी पड़ती है कि नहीं? फिर ऐसे ही भक्ति करने चले हो, भगवान को पाने चले हो, तो कुछ चीजों का त्याग तो करना पड़ेगा ना मेरी माँ। अब आप सोचो त्यागना ना पड़े और सब मिल जाए, ऐसे ही तुम्हारे बाप दादे सोच सोच के मर गए। उन्हें क्या मिला कि तुम्हें क्या मिल जाएगा? सुदामा, देखो भगवान के पथ पर चलना सरल भी नहीं है। हाँ, पैदल चलकर द्वारिका जाना सबके बस की बात नहीं है।
राम नाम का सुमिरन करना सबके बस की बात नहीं। हम ये नहीं कहते कि तुम लहसुन प्याज छोड़ दो, पर हम एक सवाल करते हैं कि आप भगवान को बिना लहसुन प्याज का खवा के आप खाते हो तो ये भेद हुआ कि नहीं? तो क्यों ना हम अपनी आदतें वैसी बना लें जो प्रभु आपको पसंद होगा, हम वही काम करेंगे। अब समर्पण तो ये है। अब देखो ना, ये अनिरुद्धाचार्य है, मैं वही खाता हूं जो भोग लगता है। हमें चाह ही नहीं है, 56 भोग खाने का मन ही नहीं है सरकार। इच्छाओं को ही हमने कम कर दिया है, इच्छाओं के कारण माथा पच्ची होती है, इसी को कम करो। सादा जीवन, उच्च विचार। हमारे भगवान और हम जो खाएंगे वही खिलाएंगे। और सुनो, केवल भगवान को नहीं, गौरी गोपाल आश्रम में जो आप लोग प्रसाद पाते हो, जो दाल आप खाते हो, सब्जी आप जो खाते हो, वही दाल सब्जी वही प्रकार की का चावल ये दास अनिरुद्ध भी भोग लगा के वही खाता है। अलग से नहीं, मैं आपको अलग खिलाऊं अपने को अलग बनाऊं, ऐसा नहीं है साहब। यदि मैं आपको अलग खवाऊंगा अपने को अलग खाऊंगा वो कपट हो जाएगा। आपका मेहमान आए और आप उसे सूखा रूखा खवाओ और आप अंदर जाके खीर पूड़ी खाओ तो ये मेहमान के साथ कपट हुआ कि नहीं? मेहमान कोई रोज थोड़ी आते हैं, आप कोई गौरी गोपाल रोज थोड़ी आते हो, कभी कभी तो आप आते हो। तो मेरा धर्म है कि आप आए हैं तो मैं आपके साथ बिना कपट के जो खाता हूँ, साहब सच बोल रहा हूँ, जो ये दास अनिरुद्ध खाता है वही गौरी गोपाल आश्रम में सबके लिए बटता है, सब कोई भी खाओ, वही क्वालिटी वही चीज, कपट नहीं। कपट करके क्या करेंगे, बांध के ले जाएंगे क्या? कौन ले गया क्या बांध कर? इसलिए बांध कर ले जाने की चक्कर में ना रहो, बांध के ले जाने के। हाँ, मेरे अपने कुछ सिद्धांत हैं। मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कहता कि आप लहसुन प्याज छोड़ दो, पर मैं आपसे एक सवाल का, प्रश्न का जवाब चाहता हूं कि ये छल क्यों, ये कपट क्यों? भगवान को आम का सीजन आया, पहले आम का भगवान जी को भोग लगा, प्रभु आप पाओ फिर खाओ मस्त प्रसाद पाओ। जो हो रहा है उसे भगवान की इच्छा मानो। मेरे जीवन में सुख ही है, ऐसा नहीं है, दुख भी आता है, कष्ट भी आते हैं, संकट भी आता है, पर हर स्थिति में भगवान के भरोसे हैं। जीवन सुखमय है तो अभिमान में नहीं डोलते, जीवन में किसी चीज की कमी है तो रोते नहीं, भगवान जैसे रखें आनंद से रहते हैं। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हमें केवल फूलों से प्यार है ऐसा नहीं, भगवान सुख दिए हैं वो भी प्रभु का दिया है, और जीवन में जो कष्ट आएगा, जो संघर्ष का सामना करना पड़ेगा वो भी ईश्वर का प्रसाद है। समर्पण किसे कहेंगे? यही तो समर्पण है कि जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, भगवान जैसे रखे वैसे में रहो, ये समर्पण। समर्पण का मतलब ये नहीं कि हम कुछ खाएं और भगवान कुछ खाएं।